हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 विथेल प्रमोटेड एब्सेंट, जिन विद्यार्थियों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं और उन्हें अभी भी अपने मार्कशीट में ट्रिपल क्रॉस दिखा रहा है या प्रमोटेड लिखा आ रहा है या आरएल, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो इस बारे में हम आपको एक बड़ी खबर सुनाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको उस खबर के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आज का ही न्यूज़ पत्र है, दैनिक जागरण वाराणसी से। यहाँ पर जो लिखा गया है, 7000 विद्यार्थियों का फंसा रिजल्ट। उसके बाद लिखा है, कई तरह की गड़बड़ी के कारण नहीं जारी हो सका इंटरमीडिएट का परिणाम। आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के तहत 100 से अधिक विद्यालयों के 12वीं के तकरीबन 7000 छात्र छात्राओं का रिजल्ट फंस गया है। आपको बता दें कि ये हर स्टेट में 7000, किसी में 4000, किसी में 1000, 2000, ऐसे पूरे स्टेट में 40000 छात्रों के विथेल्ड के छात्र जो हैं अभी इनके रिजल्ट नहीं आए हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी संख्या विथेल्ड वालों की बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा ही आएगा। जैसा कि हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उस खबर के बारे में हम आपको बताया था कि एक हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं एक हफ्ते बाद आता है या नहीं, आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसी चैनल के माध्यम से। इस न्यूज़ पत्र को आगे पढ़ते हैं, इनके परीक्षा परिणाम में भिन्न विषयों के अंक अंकित होने की बजाय विथेल्ड दिखा रहा है, जबकि इंटर का परिणाम जुलाई में ही जारी किया जा चुका है। ऐसे में विद्यार्थियों के समक्ष आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए संशय बना हुआ है। अब इस न्यूज़ पत्र में जो मेन बात है उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर कारण बताया गया है, उस कारण को हम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। यहाँ पर लिखा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद की वाराणसी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय ने छात्र से संबंधित जो रिकॉर्ड यूपी बोर्ड को दिया है उसमें कुछ गड़बड़ी है जिसकी जाँच नहीं हो पाई है। कई छात्र के रिकॉर्ड पाठनीय नहीं हैं तो कई के प्राप्तांक पूर्णांक से अधिक हैं, कुछ अन्य गड़बड़ी भी है। ऐसे में छात्रों की सूची क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध होने के बाद विद्यालय से आवेदन लेकर संबंधित विभाग को उपलब्ध करा दिया गया। ऐसे आवेदन के साथ गड़बड़ी का निराकरण आवश्यक रिकॉर्ड भी दिया गया है, खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। यानी कि ये जो कमी थी ये स्कूल से ही कमी थी, जो अब ये छात्र परेशानी ये झेल रहे हैं। तो ये जो गड़बड़ी है ये बहुत जल्द सही होने वाली है, बस थोड़ा आप पेशेंस रखें। जैसे ही इसके बारे में और जानकारी आती है हम आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।